नानक। धन गुरु नानक। वाहि गुरु जी का खालसा, श्री वाहि गुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी नदी के प्रवाह की। श्री गुरु महाराज उस नदी के प्रवाह की ओर जा रहे थे, तब क्या देखते कि उस नदी के प्रवाह के दो भाग हो गए हैं, जो एक दक्षिण की ओर तथा दूसरा पूर्व की ओर जा रहा है। यह देखकर श्री गुरु जी संसार को निम्नलिखित शब्द से परम मनोहर उपदेश देते हैं। छत महला पहला, नदिया वहा विछुनिया, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विसु भरे, को जाने जगी राम, कोई सहजी जाने, हर पछाने सतगुरु जिन चेतिया, बिन नाम हर के ब्रह्मी, भूले पछी मुगध अच्छे नीतिया, हर नाम भगत न रिदे, सच से अंत धाही, रुनिया सच कहे नानक, सबदी मेल चिर विछनिया। परमात्मा गुरु जी प्रवचन करते हैं कि हे मेरे मन, यह जो तू नदी का प्रवाह बिछोड़ा देख रहा है, अब यह प्रारंभ से ही मिलेगा। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो मेल होगा, नहीं तो वियोग तो तुम्हारे समय ही है। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर से मिल रहे हो। यदि विछोड़ा हो गया तब फिर एक समय फिर बने अथवा न बने, अर्थात मनुष्य शरीर फिर मिले या न मिले, समय निकल गया है। तो ईश्वर की आज्ञा से तुझे 84 लाख योनि में धकेला जाएगा। जो प्राणी मीठ अधिक खाता है, यदि वह ईश्वर अर्पण किए बगैर खा लेता है, तो वह विष के तुल्य होता है। इस बात को उत्तम पुरुष जानते हैं। हे मन स्मरण कर, परम सुख वह तुझे तब अनुभव होगा, तू ईश्वर स्मरण में लग जाएगा तथा जिससे परम गुरु शरण प्राप्त नहीं की, उसे सच्चे सुख का तो अनुभव हो नहीं सकता। जो अचेत तथा अज्ञानी है, वह माया के मोह में भरे हुए है, वह सभी नरक मार्गी है। हे मन तू उस प्रभु का स्मरण कर। जब यह गुरुजी का उत्तम उपदेश बाले ने श्री गुरु अंगद देव जी को सुनाया, तब गुरु अंगद देव जी अपने ही स्वरूप में लीन हो गए और तमाम संगत परम प्रसन्न हुई तथा गुरु अंगद देव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके जाति जाति कहने लगी, हे भाई बाला, तुम धन्य हो जिसने परम सद्गुरु नानक देव जी के सभी कोतक नैनों से देखे तथा सूत्रोद्धार श्रवण किया है। इन कौतुकों को जो प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह परम धाम को प्राप्त करेगा। धन्य श्री गुरु नानक देव जी। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।